फाइनली मेरा सेल रुक भी एग्जाम देके आ गया। कैसा गया एग्जाम बताओ? बहुत खराब। ए ऑनेस्टली सुन बताओ कैसा गया एग्जाम? हैं? बहुत खराब। कितना मारा आप? कितना मारे भाई साहब? सब मार दिए सच में? इधर बिकी तुम कितना मारा? चलो कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सीट तुमको मिल जाएगा, धनबाद का सीट मिलेगा, समझा? तुम गदगद सबका परिचय में तगड़ा गया है, किसी का खराब नहीं किया है एकदम। थैंक यू चचा, यहाँ पे एडमिशन कराइए, आपको फी माफ, पूरा माफ। यहाँ पे एडमिशन कराइए, फी माफ, पूरा माफ। का नाम है फी माफ आपका। चलो तो गाइज हमने हंसी खुशी एग्जाम दे दिया, पर हमें ये नहीं पता था कि पेपर लीक हो चुका है और एग्जाम कैंसिल होने वाला। हाँ तो आए लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? तो आज सुबह की शुरुआत हमारे साथ कुछ ऐसे होता है कि हम लेके जाते हैं ये पानी का गमला, लेके जाते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे बाथरूम, ये सरकारी वाला बाथरूम दिया हुआ है मोदी जी ने हमारे को। तो हाँ तो गाइस आज मेरे को जाना है झरिया। झरिया क्यों जाना है? क्योंकि जो मेरा भाई है ना, उसका आज एग्जाम है पॉलिटेक्निक का, तो उसी को एग्जाम दिलाने के लिए मेरे को झरिया जाना पड़ेगा। बाकी झरिया का माहौल कैसा हुआ कैसा नहीं फुल मैं आपको बताते रहूंगा। तुम लोग चैनल पर नया हो गाइस, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे, उससे पहले बाथरूम घुसेंगे हम। फाइनली वी आर गेट रेडी टू एग्जाम सेंटर। यस यस, विकी इधर देखो पूरा रेडी हो गया, सीडी फाइनली गाइस हम लोग जो है घर से निकल चुके हैं। मेरे को जाना है झरिया। झरिया क्यों जाना है? क्योंकि मेरा भाई जो विक्की, उसका एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक वाला, फॉर्म भरा है, पढ़ा वड़ा कुछ है नहीं, खाली फिर भी एग्ज़ाम दे के देख रहे हैं कि अगर हो जाता है तो पॉलिटेक्निक करेगा मेरा भाई, हम तो नहीं कर पाए, ये कर पाएगा। तो चलो मिलते हैं सीधे हम लोग निकलने वाले झरिया गाँव से, हम निकल ही गए हैं। बाकी तुम चैनल पर नया हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। चलो तुमको दिखाते हैं झरिया का लेटेस्ट व्यू। लो फाइनली हम लोग पहुंच गए स्कूल। पीछे ही हम लोग का स्कूल है मारवाड़ी हाई स्कूल झरिया ना, यहीं पे विक्की का सेंटर होने वाला है ना विक्की। यहाँ पे भीड़ देखो, जगह यहाँ पे तो पार्किंग के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। अगर कोई आएगा गाड़ी वाड़ी पार्क करेगा तो उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, आपको रोडे में खड़ा करना पड़ेगा। देखो और कचरा तो मत बोलो, बहुत ही ज़्यादा है। तो फाइनली गाइस हम लोकेशन पे आए थे कि यहाँ पे मिल गया मेरे को एक क्यूट सा सब्सक्राइबर ना। कैसे यार, क्या नाम है तुम्हारा? चमन कुमार बात है। वाह, कैसे तुम पहचाना हमको बताओ पहले? इंस्टा से। इंस्टा से पहचाना? अभी चलो ठीक है, एग्जाम देना यार। चलो ठीक है। हाँ तो गाइस यहाँ पे मिले थे एक मेरे भाई, क्या नाम है भाई आपका? कन्हैया दास। इनके मतलब इनके साथ एको ऐसा भिड़ा है ना, क्या बोलेंगे कि क्या नाम तुम्हारा? चमन कुमार। मतलब ऐसा कोइंसिडेंस है, इसका रोड नंबर और इसका रोड नंबर दोनों एक ही साथ है, लगा लगे दोनों एक साथ बैठ कर खतरनाक चोरी करेगा ना एग्जाम निकाली लगा ना, इन लोग का ये मजा है। ये बेचारा अकेला हो गया है, ये अकेला हो गया। कोई बात नहीं, अपने दम पे एग्जाम क्वालिफाई करेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस। हाँ तो फाइनली गाइस अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी बज रहा है 9 और एंट्री हम लोग का 10 बजे के बाद से होगा। वैसे एंट्री तो अभी से स्टार्ट कर दिया है, जो घुसना चाहता है वहाँ पे घुस सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना जल्दी घुसेंगे नहीं, क्योंकि इतना जल्दी घुस के करेंगे का ना, उससे अच्छा कि झरिया घूमते हैं ना। तो हम आपको लेके आए हैं झरिया के वो गलियों में जहाँ आपको देखने मिलेगा झरिया का वैसा सा बिल्डिंग जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखेगा इतना पुराना बिल्डिंग देखने को मिलेगा। यहाँ का बिल्डिंग देख के आपको याद आ जाएगा राजा के ज़माने का और अंग्रेज़ों के ज़माने का, और बोले तो पूरा बनारस शहर का आपको याद आ जाएगा। उसी तरह के घर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देख इधर आप देख सकते हो, ये जो घर ढाला हुआ है देखिए, इसमें लकड़ी लगा के डाला है। वो देखो, वो लगता है कि राजा के ज़माने का घर है, वो वाला बिल्डिंग लगता नहीं है। और इधर देखो ये कितना पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का घर लगता है। मतलब आप झरिया में किधर भी जाओगे तो हर तरफ आपको पुराना घर ही देखने को मिलेगा, नया घर बहुत कम ही देखने को मिलेगा। कि फाइनली गाइस ये वाला घर देख के जानता है मेरे को कैसा फील हो रहा है, जैसे था ना भूल भुलैया मूवी में, कि वो वाला मूवी का याद आ रहा है। और इसको घर को देख के हमको मन करता है कि तोड़ के घुस जाएं, लेकिन घुसने पे भी डर लगता है कहीं पे चंद्रमुखी या पारोना निकल जाए, उसके बाद बोलने लगेगा आम ही जे तुम आई लेके भाग जाएगा उसको ना।
चलो बहुत मजा आ रहा है, मतलब इस घर से ध्यान हट ही नहीं रहा, इतना मस्त लग रहा है देखने में। वैसे घर में कोई रहता नहीं है, देखो सब तरफ बंद ही है, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है यार। पेड़ भी उग गया कहाँ? हाँ वही तो निशानी है पारो का, चंद्रमुखी का। ये एग्जाम सेंटर का कुछ व्यू, यहाँ पे देखो भीड़ इतना लग गया कि काई बताएं। ये जो स्कूल है ना मारवाड़ी स्कूल, इसमें क्या है कि पार्किंग का जगह नहीं है, आपको रोडे में जहाँ तक गाड़ी पार्क करना पड़ता है। मैंने भी रोडे पे गाड़ी वहाँ पे पार्क किया है ना, पता होगा बहुत पे बोलता था बहुत जगह है, तो फिर बोला नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह। तो इतने में हमको लग जाता है पानी पिया, तो सबको लेके आ जाते हैं यहाँ का मार्केट, यहाँ से एक बोतल पानी खरीदना है ना रे। ये देखो झरिया के भयंकर गर्मी में पानी पीते हुए हम थोड़ी पी रहे हैं, हमको कोई जगह हाँ हम लोग जो हमको भी दो। आनंद ही आना बहुत सारा हो, परम सुख की प्राप्ति, आनंद आ गया पानी में। चलो अब सेंटर चलो, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर की ओर बढ़ते हुए हम लोग, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। मेरे को कुछ नहीं पता, टोटो वाला सब मेरे को भाई भाग रहा है, बुढ़वा मेरे को भाग रहा है, क्या दिक्कत हो गया बोलते हैं पगला गया है का, अभी बुढ़वा अभी नहीं मेरे को देख रहा है, पीछे से मुड़ मुड़ के देख रहा है, नहीं बोलता है छुड़वा सब पगला गया है, तो बड़का जो मारेगा हम उसको का किए हैं, उसका उसका बेटी छोड़ दिए का, अपने अपने बात कर रहे हैं, उसका हम बेटी छोड़ दिए क्या, हमको मारेगा बड़का जो मारेगा कैसे मारेगा। तो की गलियों में इतना ठंडली मारने के बाद अभी टाइम हो गया इन लोग को घुसने का, तो चलो घुसेगा, चलो जाओ रे घुस जाओ, चलो बहुत ठंडली मार दिया तुम लोग, अब घुसो। फाइनली उन लोग को एग्जाम सेंटर में हम लोग घुसा दिए हैं, अब हम निकल रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। 3 घंटा मेरे को अभी वेट करना है, लोग 3 घंटा बाद एग्जाम देके निकलेगा, हैंड डाल दो ठीक है जो। ये विक्की को अंदर घुसाने नहीं दिया तो इसको साथी में रखना पड़ेगा, चलिए अब 3 घंटा मेरे को यहाँ पे वेट करना है। हाँ तो जानते हो गाइस, जब आप किसी को एग्ज़ाम दिलवाने एग्ज़ाम सेंटर लाते हो ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात कब होती है, जब वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए घुस जाता है और आप बाहर में वेट कर रहे हो, साला 3 घंटा 30 घंटे के बराबर लगता है, टाइम ही नहीं पा रहा है। अभी मैं 2 घंटा से वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम ही नहीं पार हो रहा है, अभी भी 1 घंटा मेरे को और इंतज़ार करना है, तो यहीं बैठे बैठे मेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा, देखते हैं कब तक निकलता है वो लोग। तो फाइनली गाइस इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई, परीक्षा भी खत्म हो गया, सब बच्चा बाहर निकलेगा, गेट भी खुल गया, अब वेट है तो खाली उसका जो किया है एग्जाम देने के लिए मेरा बच्चा लोग, तो देखते हैं कब तक आएगा उन लोग। तो फाइनली मेरा सेल रोग भी एग्जाम देके आ गया, कैसा गया एग्जाम बताओ? बहुत खराब। ए ऑनेस्ट रिएक्शन बताओ कैसा गया एग्जाम? हैं बहुत खराब। कितना मारा? हैं सब मार दिया। आप कितना मारे भाई साहब? सब मार दिए सच में? इधर भी कि तुम कितना मारा? 40 को मारा। ऑनेस्ट रिएक्शन देखो, ये सच बताया, ये सच बोला, ये भी सच बोला, तुम झूठ बोला, तुम बताओ ऑनेस्ट कितना मारा है? गिने नहीं है लेकिन मार दिया है, तो सीट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बाद में मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा तुम, कहाँ मिलेगा? चलो कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सीट तुमको मिल जाएगा, धनबाद का सीट मिलेगा, समझा? तुमका फुमका नहीं जाना पड़ेगा, धनबाद का सीट मिलेगा। हाँ एकदम गदगद, सबका परिचय में तगड़ा गया है, किसी का खराब नहीं गया है एकदम। थैंक यू चचा, यहाँ पे एडमिशन कराइए, आपको फी माफ, पूरा माफ, यहाँ पे एडमिशन कराइए, फी माफ, पूरा माफ, का नाम लीजिए फी माफ आपका। चलो तो फाइनली गाइस इतना देर से हम इंतजार किए, तो अभी हम लोग क्या मन किए हैं कि चलो मूड किया है कि कुछ खा लेते हैं, क्या खाना है? हेल्दी चीज खाना है ना, चाट चाउमीन छोला भटूरा वो सब नहीं खाना है, उसमें ऑयली है बहुत सारा, लेकिन हम खाएंगे
तरबूजा, तरबूज खाएंगे। यस हम लोग खाएंगे तरबूज। यहाँ पे मेरे को बहुत खोजने के बाद देखो तरबूज का ठेला दिखा, ये देखो चल जाएगा गाइस। कैसे दे रहे हैं तरबूज? हाँ, और गोटा लेंगे तो गोटा, हाँ गोटे बताया, गोटे का रेट 25। कितना हो रहा है अभी तक? हम देख रहे हैं 3 किलो 200। हाँ तो 3 किलो ही मानिए। हाँ तो काट दीजिए और बांट दीजिए सब। अच्छे से उसमें नमक मार दीजिए और प्लास्टिक में भर दीजिए। हम इस चमन के लिए स्पेशली ये खरीदे ये तरबूजा, तो ये लेकिन खाने नहीं चाहता, ये बोलता है भाग जाएंगे उधर, क्योंकि इसका कौन आया है? दीदी। दीदी आया है तो दीदी को वेट कराओ, क्या दिक्कत है? सुबह से वेट कर रही है, सुबह से इसको खत्म करो उसके बाद जाना। नहीं 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 खाओ, खत्म करो। हम ये चला आ गया। हाँ तो गाइस तरबूज खाते खाते झरिया की गलियों में घूम रहे हैं और वीडियो को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में तुम झर कमेंट में मेरे को बता दो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं इसी टाइप के अगले व्लॉग में जब हम जाएंगे किसी नए जगह पे, नए लोकेशन पे। अरे जो ना खा दी तो जो ना रहा। चला गया कहाँ बताएंगे। तो तुम लोग को वीडियो कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट बताओ, और मिलते हैं इस टाइप अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी तरबूज खाओ।